हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्तों एलईडी की पावर सप्लाई SFDS जो है उसे कैसे इजीली तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, इसे स्किप करके मत देखिएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं तो आप भी अपने घर पर ऐसे ही SFDS पावर सप्लाई को आप खुद रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों इस SFDS पावर सप्लाई को हम बनाएंगे। दोस्तों, ये SFDS पावर सप्लाई की जो IC है ये फट चुकी है। दोस्तों, इसकी जगह हम DTH पर लगने वाला जो IC है दोस्तों, इस IC का हम इस्तेमाल करेंगे और इसके जरिए हम LED की इस पावर सप्लाई को हम रिपेयर करेंगे। दोस्तों, आज लाइव प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए। और अगर हमारे वीडियो आप सभी को पसंद आए दोस्तों तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो आइए हम इस IC को सबसे पहले खोलते हैं दोस्तों। और खोलने के बाद हम इस IC को हम पहले से ही DTH का खोल के रखे हैं। दोस्तों, इस IC का हम इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए इस पावर सप्लाई को हम रिपेयर करेंगे। तो ये IC हम निकल चुका है। अब इसकी जगह हम यही सेम टू सेम इस लेग को, ये साइड और इसका ये जो लगे हुए ये लेग है, दोनों एक साइड मिलना चाहिए और दोनों को इस तरह से हम बराबर से बिठा लेंगे। दोस्तों, इस तरह से। और बिठाने के बाद हम इसे सोल्डिंग करते हैं। इस तरह अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे दोस्तों। और इसके बाद हम इसे सीरीज पर एक बार हम चेक करेंगे दोस्तों मल्टीमीटर की सहायता से। इस पे 12 वोल्ट के करीब आना चाहिए। तो आइए हम इसे चेक करते हैं। इसका ये फ्यूज भी उड़ा हुआ है दोस्तों। इसकी जगह हम इस बल्ब को सीरीज करेंगे इस तरह से। और एक मेन कोड की सहायता से हम इस पे लाइन देंगे इस पर, इस तरह से। इस प्लग को हम लाइन पर कनेक्ट करते हैं और इसे 200 की रेंज पर रख के हम इस जगह वोल्टेज को मापेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम इस वोल्टेज को नाप चुके हैं दोस्तों। ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो आइए हम इसे, इस कार्ड को हम LED पर सेट करते हैं और सेट करने के बाद इसे हम चेक करके देखते हैं दोस्तों। अब इस LED पर हम सेट करेंगे इस SFDS को। तो दोस्तों, इस LED ड्राइवर को हम इस तरह से सेट कर चुके हैं। अब इस पर लगे हुए दो स्क्रू था, उस स्क्रू को भी हम लगा लेंगे दोस्तों। इसके बाद इस पावर सप्लाई पर हम लाइन दे करके चेक करेंगे। हाँ, तो दोस्तों इस LED पर जो है पूरी तरह से लाइन आ चुका है दोस्तों। ये TV पर जो प्रॉब्लम था
वो अब पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो आप हमारे चैनल पर रोज देखने को मिल पाएगा दोस्तों। जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर कोई सवाल या जवाब हो तो कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही नए टॉपिक लेकर के। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।